नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या है आबकारी घोटाला जिसकी जद में आए आपके बड़े नेता केजरीवाल को छोड़नी पड़ी सीएम की कुर्सी। आम आदमी पार्टी आप सरकार पर कई आरोप लगे मगर आबकारी घोटाला ऐसा मामला है जिसने आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल भी इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे और दोनों को कई नाकाम कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकी है। उस पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाए हैं। क्या है आबकारी घोटाला, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। बात मार्च 2021 की है जब दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। सरकार ने इस नीति से राजस्व बढ़ने का दावा किया था। नीति लागू कर दी गई, दिल्ली वालों को सस्ते में शराब मिल रही थी। उस साल मार्च आते आते आधे दाम पर भी लोगों को शराब मिली थी। इस नीति में एक नया प्रयोग ये किया गया था कि शराब बेचने का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया था। यही वह मुद्दा था जो आने वाले दिनों में केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बना। हालांकि आप हमेशा ही इसे एक फर्जी घोटाला बताती रही है। पार्टी का दावा है कि इस मामले में जांच एजेंसियों को आज तक एक भी सबूत नहीं मिला है। कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, चौंका देगी केजरीवाल की रणनीति, दो नामों पर चर्चा तेज। जेल से ही इस्तीफा देने वाले थे केजरीवाल, लेकिन क्यों रुक गए सीएम ने खुद बताई वजह। एलजी ने की थी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। एलजी वीके सक्सेना को मिली शिकायतों पर उस समय के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मामले की जांच की। उन्होंने एलजी को सौंपी रिपोर्ट में इससे बड़े घोटाले की बात कही और यहीं से ये मामला बढ़ता चला गया। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 27 सितंबर 2022 को हुई पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने प्राथमिकी कर जांच शुरू की और केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले मीडिया प्रभारी विजय नायर को 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया। ये मामले में पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद कई शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इस साल 21 मार्च को आप और दिल्ली सरकार के ऊपरी पायदान पर विराजमान अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। आप सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों की याद दिलाएगी भाजपा। आबकारी घोटाले में जेल से बाहर आने के अचानक 2 दिन बाद इस्तीफा देने की घोषणा के बाद भाजपा ने भी पटाक्षेप की तैयारी कर ली है। भाजपा ने अब कार्यकर्ताओं को कहा कि घर घर जाकर वह आप सरकार में आबकारी घोटाले से लेकर टैंकर से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, दवा आदि में हुए घोटालों को एक बार फिर जनता के बीच लेकर जाएंगे। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जनता में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान न होना और आप सरकार में घोटाले होने से जनता परेशान है। ऐसे में जनता को आप सरकार के घोटालों को पुनः याद दिलाएं और जनता को जागरूक करें। हम हर चुनाव के लिए तैयार, वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा 24 घंटे में 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारी हर विधानसभा में प्रत्याशी भी तैयार हैं। जब भी चुनाव होंगे भाजपा चुनाव जीत कर सरकार बनाएगी। उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की बैठक में आह्वान किया कि अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया, ये पूरी आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचार छुपाने के मास्टर हैं। जेल का जवाब वोट से अभियान लोकसभा में आपने चलाया था लेकिन दिल्ली की जनता ने 0 सीट दी। ऐसे में जनता की अदालत में पहले ही निर्णय हो चुका है। बस अब जनता को फिर से आप सरकार के घोटालों को बताएं और घर घर जाकर आप सरकार के कुशासन की पोल खोलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।